राज इंडिया एक टीम में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की तलैया, मजदूर गायब, एलएनटी मशीन लगी तलैया का गहरीकरण करने में। छतरपुर जिले के लवकुशनगर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम हसपुरा में तलैया गहरीकरण का कार्य बिना मजदूरों के एलएनटी मशीन से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत टहनगा अंतर्गत हसपुरा ग्राम में ये कार्य किया जा रहा है। मौके पर जब सरपंच से पूछा तो उनका जवाब ये था कि गांव में मजदूर ही नहीं है, इसलिए मशीन से कार्य कराया जा रहा है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर साहब, देख लो सरपंच महोदय के इस गांव में विकास की ऐसी गंगा बही कि हर एक व्यक्ति बड़ा आदमी बन गया, इसलिए तो गांव में मजदूरी करने वाले अब मजदूर है ही नहीं है। तलैया का कार्य चल रहा वह भी मशीन से, और हमारा जनपद सीईओ, उपयंत्री, सचिव सब सो रहे। किसी को जानकारी नहीं कि सरपंच एलएनटी मशीन से तलैया का गहरीकरण का कार्य करवा रहा है, या फिर सब इस भ्रष्टाचार में शामिल है, इसलिए न तो आंखें खुल रही और न ही नींद से जाग रहे। सरपंच मशीन से कार्य कराए और आंखें दिखाए तो वही कहावत हो गई कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये कार्य लवकुशनगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तहनगा के ग्राम हसपुरा में तलैया गहरीकरण के कार्य में मजदूरों की जगह मशीन से कार्य कराया जा रहा है। और सरपंच महोदय से बात की तो वह इतना गुटखा खाए थे कि वह बोल ही नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि गांव में मजदूर नहीं है, इसलिए मशीन से कार्य करा रहे हैं। जब मशीन से कार्य होना है तो सरकार क्यों झूठी योजनाओं का बखान करते हैं? श्रम कार्ड, जॉब कार्ड सिर्फ नाम के लिए और मशीनें काम के लिए। मुख्यमंत्री जी, देख लो ये है प्रशासनिक तंत्र। तुम्हारी सरकार की नया पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद वर्मा, छतरपुर। आइए हम आपसे सरपंच साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये यहाँ पर जो तलैया का निर्माण किया करवाया जा रहा है, यहाँ पर गहरीकरण हो रहा है, ये जीसीबी के माध्यम से हो रहा है, ये रोजगार शोषण हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं मतलब। तो ये बताओ आप, ये बताओ कि यहाँ पर रोजगार शोषण हो रहा है, सरकार पैसा निकालती है क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, वह दिल्ली ना जा सके या बाहर ना जा सके, वो अपने ग्राम में ही रहकर अपने ग्राम का विकास हो और साथ ही उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए पैसा निकालती है। आपको सरपंच बनाया गया है, उत्तरदायित्व आपका है, क्या कहेंगे आप? अरे ये तो खड़ी है मशीन, थोड़ी रही है। नहीं खड़ी नहीं है, हमने अभी देखा है उसमें चिन्ह बने हुए हैं, जो मशीन से हो रहा है काम। सफाई आपसे कहा है, जैसे ही आपको पता चला कि आपके यहाँ पत्रकार आ रहा है तो आपने बंद करवा दी जेसीबी का, क्या मतलब है? चार लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जेसीबी के माध्यम से काम हो रहा है, या लेबर से कराइए? कैसे हुआ ये काम हुआ है, ये कैसे हुआ? मशीन से सफाई कराई है, ये किसका काम है? मशीन के लिए पैसा आता है, मशीनीकरण के लिए, या रोजगार के लिए पैसा आता है कि लोगों को रोजगार मिले? काय के लिए पैसा आता है? रोजगार मिले लोगों को। जेसीबी, तो फिर आपने जेसीबी क्यों चलवाई? जेसीबी चलवाई, हमारे कोई मजदूरी नहीं है यहाँ गाँव में। कहाँ नहीं है? गाँव में। कहाँ पे नहीं है? गांव में। चलिए हम आपको गांव में चलते के पूछते हैं लोगों से कि काम करना चाहते हैं कि जेसीबी से काम। आप पूछवाइए हमसे, कौन यहाँ पर काम करने नहीं आ रहा है? लोग हमसे, हमें बुलाया है लोगों ने, बोले यहाँ पर रोजगार के लिए पैसा जो आता है वो मशीनीकरण के द्वारा करवाया जा रहा है। बोलिए आप। मशीन से सफाई करवाई है, बाकी मशीन से सफाई करवाने का क्या मतलब है? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मशीनीकरण क्यों हो रहा है? सरकार पैसा इसलिए भेजती है कि मशीनीकरण आप करवाएं। बोले मैं टहान गांव सरपंच हूँ, रामदेन मेहरवा जी सरपंच हैं, और ये तलैया क्रम मशीन, तलैया का निर्माण जो मशीनीकरण से करवा रहे हैं, मजदूर काम के लिए फिर रहे मारे, इनको काम नहीं मिल रहा है, ये मशीन से काम करवा रहे हैं जी। इनके ऊपर कोई खिलाफ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए जी। और ये गांव के लोग, ये गांव के उपसरपंच हैं, और इन्होंने बताया कि यहां पर जो मशीनीकरण हो रहा है इन्हीं के माध्यम से जानकारी दी गई है, और हम लोग आए हैं यहां पर, हमने देखा कि यहां पर जो तलैये का निर्माण हो रहा है, गहरीकरण करवाया जा रहा है, वो इस जेसीबी के माध्यम से कराया जा रहा है, और इसमें चलने वाली जेसीबी के आपको चिन्ह भी दिखाए गए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जेसीबी का प्रयोग किया गया है। और सरपंच साहब से बात की है तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं, सरपंच साहब के पास कोई जवाब नहीं।
सरपंच साहब खाना चाहते हैं पूरा पैसा जेसीबी के माध्यम से निकालने के, मतलब पूरा तालाब का भी निर्माण वो हुआ है, वो भी पैसा ने पूरा हड़प कर लिया, 12 लाख रुपए निकाल लिया, कोई काम हुआ भी नहीं हुआ है। ये कौन सा गांव है भैया? हंसपुरा। इसकी पंचायत कौन सी लगती है? टहन का पंचायत और ग्राम ये हंसपुरा है। ये यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब तलैया का गहरीकरण हो रहा है और इस जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई मजदूर नहीं मिलते क्या? मजदूर है लेकिन सरपंच और मतलब ये लोग मजदूर लगाना नहीं चाहते। अच्छा, एलएनटी मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है। अच्छा, ये मजदूर लगाना नहीं चाहते सरपंच। सरपंच का नाम क्या है? रामदीन अहरवाल। अच्छा, देखिए राज इंडिया 80 सच का पहरी है। सच दिखाना और सच बताना हमारा कर्तव्य है। हम मिर्च मसाला नहीं, हम तीर की तरह सच दिखाते हैं। राज इंडिया 18 आपकी ताकत बने और हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर खबर को शेयर जरूर करें। नमस्कार।